इस जतन नाल उहदियां बाहां विच आप मुहारे हरकत आई तां उस नूं पता लगा कि उहदी खब्बी बाह तां बज्जी हुई है मोटे ते चिट्टे जिहे पलस्तर विच। अम्मी ने उस नूं हिलण तों मना कीता ते छेती ही जीते नूं मुड़ नींद आ गई। जीते नूं 6 दिन हस्पताल रहना पिया। जीते नूं 6 दिन हस्पताल रहना पिया। ये सारे दिन उहदी अम्मी उहदे लागे बैठी रहिंदी सी। जीते नूं 6 दिन हस्पताल रहना पिया। ये सारे दिन उहदी अम्मी उहदे लागे बैठी रहिंदी सी। ओह उहनूं खवाउंदी पिलाउंदी लाड करदी फड़ के गुसलखाने लै जांदी ते जदों जीते दा जी ना लगदा उहनूं कहानियां सुणाउंदी सी। एक दिन अम्मी ने जीते नूं सच्चे सौदे दी साखी सुनाई। ये इवें सी, श्री गुरु नानक देव जी जदों जवान होए तां उन्हां दे पिता कालू जी ने नानक जी नूं 20 रुपए दे के वड्डे शहर सौदा करन लई भेजिया। उन्हां दिनां विच गड्डी सवारी दा प्रबंध राजे इंतजाम, ठीक है, प्रबंध नहीं सी हुंदा। तुरदे तुरदे गुरु जी जद पिंडों बाहर उजाड़ विच पहुंचे तां उन्हां नूं एक साधुआं दी टोली मिली। उन्हां नाल गलबात करदिआं श्री गुरु नानक देव जी नूं पता लगा कि साधुआं ने कई दिनां तों अन्न पाणी नहीं सी छकिआ। श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम नाल साधुआं नूं आप भोजन छकाया। घर परते तां कालू पिता जी श्री गुरु नानक देव जी नाल बहुत नाराज़ होए, पर गुरु जी अपने भरोसे उत्ते अटल रहे। उन्हां दा यकीन सी कि उन्हां जिहड़ा सौदा कीता सी ओह सच्चा सी। सो ये साखी की, ये साखी अम्मी ने जीते नूं, जीते दी अम्मी ने जीते नूं सुनाई सी। जीते दे लागले मंजे उत्ते ही एक बीमार लड़का सी। लागले मतलब नेड़े, नेड़े नाल दे मंजे ते। जीते दे लागले मंजे उत्ते ही एक बीमार लड़का सी। उसका नाम रामू सी। रामू जीते दा हम उम्र सी। हम उम्र भाव उन्नी उम्र राजू दी सी, उन्नी उम्र रामू दी सी, उन्नी उम्र ही जीते दी सी। पर उसका मूँह बड़ा लिस्सा ते मंदा सी। लिस्सा ते मंदा भाव कमजोर जिहा मूँह सी उसका, ठीक है, उसके चेहरे ते कोई रौनक नहीं सी, ठीक है। वार्ड विच जदों चुप चाप हुंदी जीता ते रामू एक दूजे वल वेखदे ते मुस्करा पैंदे। हौली हौली वो आपस विच गल्लां करन लग पए ते एक दूजे दे दोस्त बन गए। रामू ने दस्या कि वह एक हलवाई कोल काम करदा सी। वह तड़के सवेरे उठदा ते रातीं बड़ी देर नाल सौंदा सी। सारा दिन भांडे ही मांजदा रहिंदा सी। एक दिन काली काली काम करदिआं वह फिसल गया ते उहदे चूल्हे दी हड्डी टुट गई। एक महीने तो वह इस हस्पताल विच सी। उन्नू उठन बैठन दी मनाही सी। शायद एक महीना होर लग जाए उन्नू राजी होने लई। सो बेटे रामू ने की दस्या कि एक हलवाई कोले काम करदा सी ते वह सारा दिन काम करदा रहिंदा सी। सवेरे भी जल्दी उठदा सी, रात नू भी देर नाल सौंदा सी। तां एक दिन की होया कि काली काली काम करदे उहदा पैर फिसल गया। जब फिसल गया तो उन्हें चूड़े की होया हड्डी टुट गई। तो एक महीने तो हस्पताल में सी ते उन्हूं अजे एक महीना होर लगना सी ठीक होने वास्ते। रामू की माँ दिन विच सिर्फ एक बार उन्हूं वेखण आउंदी सी। ओह कई घरां विच निक्का निक्का काम करदी सी। रामू का बापू नहीं सी, भाव उसके पिता की हुई सी मौत हुई हुई सी। जीते दी बांह दियां पीड़ां घट गईयां सन। उन्हूं उठन बैठन ते तुरन दी आग्या सी। जीता जदों इकला हुंदा चुप चाप लेटिया होया
ਉਹਨੂੰ ਰਾਮੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮੂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਮੂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।